गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन क्लास एट लेसन सेवेन सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक आज का टॉपिक बच्चों प्लास्टिक 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 आर पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स प्लास्टिक जो होते हैं प्लास्टिक एक पॉलीमर है प्लास्टिक जो होते हैं पॉलीमर के सबसे छोटा मॉलिक्यूल होते, है, होते हैं सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स होते हैं देयर आर सर्टेन प्लास्टिक्स कुछ प्लास्टिक्स में क्या होते हैं मोनोमर जो होते हैं वेयर मोनोमर आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन यानी कुछ प्लास्टिक्स में जो मोनोमर्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं नाउ कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स प्लास्टिक का गुण क्या है प्लास्टिक के विशेषताएं क्या है आज इसको फिर देखेंगे फर्स्ट इट हैज़ लाइट वेट प्लास्टिक जो होता है ये बहुत ही हल्का होता है प्लास्टिक जो होता है बहुत ही हल्का होता है दूसरा इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स और प्लास्टिक्स में किसी तरह केमिकल अटैक नहीं होता है केमिकल को रेजिस्ट कर देता है जैसे कि अगर आयरन है लोहा वगैरह मेटल है उसमें केमिकल अटैक करता है तो उसमें क्रोजन लग जाता है लेकिन प्लास्टिक्स में अगर कोई केमिकल उसमें पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है यानी केमिकल अपना इफेक्ट अपना प्रभाव उसमें नहीं डालता है मतलब इट इज़ रेजिस्टेंस टू केमिकल वो केमिकल को रेजिस्ट करता है फोर्थ इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है मीन्स कि माइक्रो ऑर्गनिज़म के द्वारा प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है जैसे कॉडंग वगैरह होता है लेकिन प्लास्टिक नहीं होता है मीन्स प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं गुड कंडक्टर नहीं होते हैं सिक्स इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर प्लास्टिक का एक और प्रॉपर्टीज़ uh, है खासियत है कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं बच्चों और अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स कितने टाइप के होते हैं प्लास्टिक्स दो टाइप के होते हैं थर्मो एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स थर्मोप्लास्टिक्स को हम लोग शॉर्ट में थर्मोप्लास्ट भी कहते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को थर्मोसेट भी कहते हैं नौ आप सबसे पहले डिस्कस करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स थर्मोप्लास्टिक्स क्या है प्लास्टिक्स विच हैव ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर थर्मोप्लास्टिक्स थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होता है कि प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट होता है क्योंकि प्लास्टिक पॉलीमर का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है प्लास्टिक्स में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अरेंजमेंट होते हैं उसको लीनियरली होते हैं क्रॉस या ब्रांच नहीं होते हैं लीनियरली होते हैं लीनियरली अरेंज होते हैं तो थर्मो प्लास्ट में यानी थर्मो प्लास्टिक में जो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका अरेंजमेंट लीनियरली होते हैं लीनियर होते हैं दीज प्लास्टिक्स कैन बी डिफॉर्म्ड इजली ऑन हीटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्मो प्लास्टिक्स जो होते हैं उसको हीट करेंगे तो डिफॉर्म हो जाएगा एंड कैन बी रिमोल्ड इन टू द न्यू शेप और जैसे थर्मो प्लास्टिक्स को जब हीट करेंगे गर्म करेंगे तो उसका शेप बदल जाएगा और एक नया शेप उस उससे बना सकते हैं यानी उसको नया शेप में दे सकते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए पी वी सी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन ये सब थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल्स है